तो भाई ये है अपना दोस्त रोहन और ये हैं आयुष शर्मा जी, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हरिद्वार जल लेने के लिए। एकदम ही प्रोग्राम बना, 3 बजे 4 बजे प्रोग्राम बना और अभी 8 बज रहे हैं, हम लोग 8 बजे निकल गए। तो एंटॉर्क है स्कूटी, इससे जा रहे हैं, ये देखो, और बहुत ही आराम आराम से जाएंगे हम, कैसे भी चले जाए। और ये नाइट विजन का मैंने गॉगल पहना हुआ है, इसका ये नंबर का चश्मा है। और भाई इस ब्लॉग में ना आपको कांवड़ियों की धूम दिखने वाली है, मतलब रोड पे क्या बढ़िया नज़ारे होते हैं ना, सब आपको इस ब्लॉग में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस ब्लॉग में ना बरकरार रहना है आगे आने वाले 6, 7, 8, 10 मिनट तक, तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। और भाई ये हम पहुंच गए मेरठ टोल पे, भाई साहब रोड पे सिर्फ जश्न ही जश्न चल रहा है, सिर्फ गाने गाने देखने को मिल रहे हैं। वो देखो सामने क्या हालत है, सामने वाली रोड पे, पूरी रोड पे कावड़ ही कावड़, डाक कावड़, सिर्फ डाक कावड़। हाँ भाई रोड कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हम लोग 8 बजे चले थे, 9 बजे मेरठ आ गए 1 घंटे में, इसमें हम आराम से चला रहे हैं। बोलो, जय बोलेगी, जय बोले। हम लोग खतौली पहुंच चुके हैं और जो रास्ता है ना वो मेन रोड तो बंद थी, तो अपन की जंगल के अंदर अंदर से गांव के रास्ते में से अंदर अंदर होके सिंगल रोड पे निकल के फाइनली हम लोग अब आए हैं यहाँ से हरिद्वार। 100 किलोमीटर रह गया और अभी कितने, 1 बज रहा है रात का, और 2 घंटे और लगेंगे। और ये मक्खी दुखी कर रही है यार, मतलब कि 8 बजे के चले हुए, 1 बजे तक अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, 2 घंटे हमारे 2.5 घंटे खराब हो गए मेरठ में। अगर वो ख़राब नहीं होते तब तक तो हरिद्वार पहुँच गए होते। अब देखते हैं जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो क्या हाल होता है, बट फिलहाल क्राउड देखो। बज रहे हैं 2:45 और हम लोग रुड़की पहुँच चुके हैं, और बाद में हम लोगों ने स्पीड एकदम बढ़िया मेंटेन कर ली। हम लोग ना मंगलोर की नहर के साथ साथ एक रास्ता आता है जो गाज़ियाबाद से नहर के साथ 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 सीधा रुड़की निकलता है, 170 किलोमीटर्स का रास्ता है। तो हम लोग उसी रास्ते से आए थे, हमें वो मिल गया था मेरठ के बाद। तो अभी रिफ्यूलिंग करा रहे हैं दोबारा से, और यहाँ से हरिद्वार रह गया अराउंड 28 किलोमीटर्स। तो अभी पता नहीं आगे ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अभी 3 बज रहे हैं। हम लोग का टारगेट यही था कि हम
दो बजे तक पहुंच जाएंगे, बट जाम की वजह से नहीं पहुंच पाए। कैसा रहा तेरे बाल, कैसे हो गए? कितने का है पेट्रोल? 500 रुपये पूरा। चलो चलते हैं। इतनी बार हरिद्वार आ चुका हूँ, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा है कि गंगा जल जो है वो इतनी आगे तक है, मतलब कि वहाँ तक भी बंदे खड़े हैं, उन तब भी वेस्ट तक पानी है। तो यहाँ आया था गंगा जल होता है, और अभी देखो ये हालत है। तो पानी पीछे रोका हुआ है कावड़ की वजह से, और क्राउड देखो। तो सामने में सीटी बजाते हुए जा रहे हैं ये, तो ये डाक कावड़ वाले होते हैं। इनका क्या रहता है कि इन्होंने डाक कावड़ जो है वो जल भर के और फिर इनको भागना होता है। तो ये यहाँ से निकल चुके हैं, और इनके जो ट्रक होते हैं हाईवे पे खड़े हैं, बस अब ये भागते हुए जहाँ भी इनकी डेस्टिनेशन है वहीं जाएंगे बिना रुके। पहली बार शायद आया इस प्रकार का डीजे, पहली बार आया फोल्ड वाले। वही 25 सालों में ही पहली बार ऐसा डीजे लगा है पूरे हरिद्वार मेरठ से लेकर के दिल्ली एनसीआर में, आज तक कोई ऐसा डीजे नहीं आया। कितना फीट होगा लगभग ये? 24 फुट। क्या क्या इसमें पूरा सेटअप, क्योंकि सेटअप बहुत बड़ा दिख रहा है, क्या क्या सारा सेटअप लगा? 40 बजे से 30 स्टॉप है सर।